प्रहस्त, तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध मेरा पुत्र लेगा उस धूर्त वानर से। तुम्हारे पुत्रों ने जिस कार्य के लिए अपने प्राण गंवाए हैं उस कार्य को मेरा पुत्र पूर्ण करेगा। धराशाही कर देगा उस वानर को। श्री राम, रक्षा कीजिए अपने दूध। हनुमान, हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान। वो दंडवानर मेरे महाघातक बाणों के प्रहार से भी बच गया है। ये तो इसने मुझ पर प्रहार किया था, ये तरुणावस्था। अवश्य ही ये लंका का कोई राजकुमार है। उस वानर के पार्श्व में देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है। कहीं अक्ष कुमार की भी नहीं? नहीं, अक्ष कुमार महाभट वीर योद्धा है। ना जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। सावधान वानर, मुझे कोई साधारण योद्धा समझने की भूल मत कर लेना। अक्ष कुमार हूं मैं, लंकेश, महाराज रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार। जिसके बाण कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। मेरे प्रचंड क्रोध का सामना तुम नहीं कर पाओगे वानर। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। अंततः रावण ने अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। समय आ गया है, शीघ्र अतिशीघ्र अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना होगा मुझे।
सखा मेरी गदा कहाँ है? प्रचंड बाणों के प्रहार को वानर। अच्छा, तो इन मायावी प्रेतों से भयभीत करना चाहते हो तो मुझे? अब देखो इन प्रेतों का क्या हाल करता हूं। मेरे बाणों के प्रहार से तो तुम बच गए वानर, परंतु मेरे मायावी बाण से अब तुम नहीं बचोगे। चलाए हुए अस्त्र पर केंद्रित है। इस अस्त्र की ओर जब तक इसका ध्यान जाएगा, तब तक तो इस वानर का अंत हो ही जाएगा। ध्यान भटकाने का प्रयास, मुझसे चतुराई। अब देखो अक्ष कुमार, तुम्हारा प्रहार कैसे विफल करता हूं मैं।
अब आनंद आया युद्ध करने का। रावण ने अब एक अच्छा योद्धा भेजा है जो शक्ति के साथ बुद्धि से भी कार्य करता है। मेरे प्रहारों को विफल कर देना किसी साधारण वानर के वश से बाहर है। पिताश्री का अनुमान सत्य है कि इस वानर को देवताओं ने शक्तियां देकर यहाँ भेजा है। इस पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह संकट बन सकता है मेरे लिए। अश्वो, इस वानर के चारों ओर तीव्र गति से घूमो। अब देखता हूं इस त्वरित गति के वार से कैसे बचते हो तुम। अब ये क्या कर रहा है? अब ये क्या कर रहा है? अनगिन बाण से चक्र बनाई, साई कपिल भर महाबेरा। अचरज अक्षयकुमार यह देखा, ये लो वानर, दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार, बाणों का बवंडर है ये, इसमें फंस कर तेरा अंत हो जाएगा वानर। सुना, राजकुमार अक्ष ने उस वानर को अपने तीव्र बाणों के भवंडर में घेर लिया है। त्रिजटा, तुमने तो कहा था कि वो पूरे लंका का विनाश करेगा, किंतु मुझे उसका ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाणों के ऐसे मृत्यु चक्र में फंसने जा रहा है वो वानर, जहां से उसके बचने का कोई मार्ग नहीं। अब तुम्हारी सारी आशाएं समाप्त मिथिला कुमारी, क्योंकि अखेट करेंगे हमारे राजकुमार उस वानर का। समाप्त हो जाएगा वो वानर, और तुम्हारी सूचना तुम्हारे पति को देने वाला अब कोई नहीं बचेगा। जो स्वयं प्रभु श्री राम के बाण की त्वरित गति के समान यहाँ आए हैं, अक्ष कुमार के तीव्र बाण उनका क्या हित कर पाएंगे? दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार। दुष्ट जन कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न कर ले, भक्ति भाव से प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय श्री राम। प्रत्येक विपत्ति का एक ही मंत्र, जय श्री राम।
असंभव, वायु वेग से गतिमान मेरे बाणों के अभेद चक्र को खंडित कर दिया है इसने। कौन है ये विलक्षण वानर? जय श्री राम। युद्ध में हनुमान को क्रीड़ा का आनंद आ रहा है। अब देखता हूं ये राक्षस योद्धा क्या करता है। से बचना होगा। इस घातक अस्त्र से भी बच गया। अस्त्र तो माता सीता की ओर बढ़ रहा है। माता सीता के कोमल हृदय को अकारण ही वेदना पहुंचाएगा। उनको ज्ञात हुए बिना ही मुझे इस प्रक्षेपास्त्र को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। हनुमान अपने शरीर से बाधित कर रोकेगा इस अस्त्र को। उस वाटिका में बंधी स्त्री को बचाने के लिए इतना अधिक चिंतित है कि उसकी रक्षा हेतु मेरे मारक प्रक्षेपास्त्र से टकराकर उसे स्वयं के भी प्राण गंवाने की कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम।
योद्धा कितना भी शक्तिशाली हो, व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वो अधर्म के साथ है तो अंततः उसकी पराजय निश्चित है।